हम लोगों ने लेक्चर वन पे चर्चा पूरी की थी, लेक्चर टू हम लोग शुरू कर रहे थे, परंतु कल की चर्चा को लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो वहां से बात शुरू कर सकते हैं। लेक्चर वन में हमने कोर्स के बारे में परिचय लिया, कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स को देखा, कोर्स के मेथडोलॉजी को देखा और कोर्स के कंटेंट को देखा और जो रेफरेंसेस लिए गए हैं उनको भी देखा। अब UHV 3 के लेक्चर 2 में हम लोग इन दो मुद्दों पे बात करेंगे कि अभी हम कहाँ खड़े हैं, हम अपना मूल्यांकन कर पाए UHV 2 पूरा करने के बाद, और UHV 3 के द्वारा क्या उपलब्धि हो सकती है, जो हमारा स्वयं में विकास होना है वो किस प्रकार से हो सकता है। कई साथी हैं जिन्होंने अभी UHV 2 नहीं किया है, तो संक्षेप में बता दें कि UHV 2 का जो पूरा कोर्स है वो सेकेंड ईयर में पढ़ाया जाने के लिए एक मैंडेटरी कोर्स है, क्रेडिट कोर्स है, और जितनी चर्चा हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में की है उसमें कुछ और कंटेंट को ऐड करते हैं। तो जिन्होंने UHV 2 नहीं किया है उनके लिए कुछ कंटेंट बिल्कुल नया होगा इस सत्र में, जैसे प्रकृति की व्यवस्था पे हम उतने विस्तार से बात नहीं करते हैं, मैं के बारे में उतने विस्तार से बात नहीं करते। तो अगर बैकग्राउंड के रूप में देखें तो हम सभी मानव हैं और एक सुख समृद्धि पूर्वक जीवन जीना चाहते हैं, और हम सबके कुछ इच्छाएं हैं और उसको पूरा करने का कुछ प्रोग्राम भी है। अभी हम कई सारे प्रोग्राम लेकर चल रहे हैं ताकि हम सुखपूर्वक जी पाए, समृद्धि पूर्वक जी पाए। जी नेक्स्ट भैया। तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि इन सारे एस्पिरेशंस में, इन सारी इच्छाओं के अंडरलाइन जो बेसिक एस्पिरेशन है वो हमको स्पष्ट हो जाए। तो हमारी बहुत सारी इच्छाएं होती हैं सुख की आशा में, इन इच्छाओं को पूरा करके हम सुखी होंगे, परंतु हमारी मौलिक चाहना क्या है ये तो हमें स्पष्ट हो, और यदि ये स्पष्ट है तो हमें ये भी स्पष्ट हो कि मौलिक चाहना को पूरा करने का कार्यक्रम क्या है, ठीक है ना, तभी तो हम उसको पूरा कर सकते हैं। तो हम इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में और उसको और थोड़े विस्तार से UHV 2 में करते रहे हैं, अब उसको हम लोग और गहराई और विस्तार में UHV 3 में स्टडी करने वाले हैं। तो कंटेंट को धीरे धीरे ओपन अप किया गया है। पहले हम लोग फेस टू फेस जब वर्कशॉप करते थे तो सीधे हम 8 दिनों का वर्कशॉप किया करते थे, और उन 8 दिनों के वर्कशॉप में UHV 2 को हम सीधे सीधे इंट्रोड्यूस करते थे, जिसमें परंतु जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर शुरू हुआ तो ऐसा लगा कि पूरा कंटेंट कम समय में देना उतना उपयोगी नहीं रहेगा, साथ ही उसमें जुड़ नहीं पाएंगे, पूरी बात को समझ नहीं पाएंगे, और उन्होंने कुछ पोर्शन को उसमें से कम किया। ये भी था कि इंडक्शन प्रोग्राम में यदि वो कंटेंट जाना है उतना सारा कंटेंट इंडक्शन प्रोग्राम में देने की जरूरत नहीं थी। इन दो बातों को ध्यान में रखकर इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में कंटेंट कम किया गया और धीरे धीरे उसको एनरिच किया गया UHV 2 के वर्कशॉप में। तो जितनी बात UHV 2 में हुई है उसके आगे हम लोग बिल्डअप करेंगे इस पे, परंतु मुझे लगता है ये तो हम सबको दिख गया है कि हम सबकी मूल चाहना निरंतर सुखपूर्वक जीना है, इस पे तो किसी को शंका नहीं कि नहीं। एक शंका मेरे मन में इसके बारे में आई, वो ये है कि इसके निरंतरता, इस पे थोड़ी हम चर्चा कर सकते हैं क्या, क्योंकि सुख पाना ये हमारी ये है, और मैं ये भी महसूस करता हूँ कि निरंतर मैं सुखी होना चाहता हूँ, मगर ये निरंतरता का आग्रह अगर मैं धरता हूँ या करता हूँ तो वो भी मेरे एक दुख का कारण हो सकता है। जैसे अभी सेल्फ एक्सप्लोरेशन में भी मैं देखता हूँ कि ये होता है कि अच्छा मैं कई बार मैं हारमोनी में था, मगर अभी मैं हारमोनी में नहीं था कुछ बार, तो मेरा ध्यान वहां पे जाता है और फिर मैं बोलता हूँ कि नहीं कि ये निरंतरता नहीं है, और फिर वो भी मेरा दुख का कारण हो जाता है कि ये मुझे निरंतर होना है सुखी। तो और ये निरंतरता पे काफी हमारा सब बेस है मतलब। तो भैया आप अगर ये निरंतरता पे थोड़ा अधिक ये कर देते हैं, स्पष्टता देते हैं तो अच्छा रहेगा। जी बढ़िया भैया, इनफैक्ट आपने जो पहला वाक्य कहा कि मैं सुख पाना चाहता हूँ, तो बेसिकली निरंतरता तभी है जब मुझे ये दिखे कि मैं सुखी होना चाहता हूँ, सुख पाना चाहता हूँ। जैसे हम सोचते हैं कि मैं सुख पाना चाहता हूँ,
वैसे ही उसमें निरंतरता की संभावना नहीं रहती, क्योंकि कुछ बाहर से मिलने वाला है। परंतु यदि सुखी होने की बात करें तो दिखता है कि सुखी होने का मतलब है कि सुख का स्रोत भीतर है, तो फिर निरंतरता हो सकती है। आमतौर पर क्या होता है, जो हमारी पूरी सोच होती है, जो कंडीशनिंग होती है, वो सुख पाने की होती है, बाहर से कुछ पाकर सुखी होने की। और फिर उसमें एक शंका ये बनती है कि जो बाहर से आ रहा है इसमें निरंतरता कैसे होगी, ये तो सामयिक है ना, यह क्षण हो ही नहीं सकता। इसलिए कई बार हमने ये भी मान लिया कि निरंतर सुखी नहीं हुआ जा सकता। परंतु जब ये समझ में आता है कि सुख का स्रोत तो सही समझ सही भाव है और वो स्वयं में सुनिश्चित हो ही सकता है, फिर शंका भी नहीं रहती, बल्कि और एक आश्वस्ति का भाव आता है ना, क्योंकि चाहते तो हम निरंतर सुखी हैं, बस इतना ही है कि उसके सोर्स को हम ठीक से लोकेट कर पा रहे हैं। तो जैसे जैसे बात हमको स्पष्ट होती है कि सुख का आधार सही समझ सही भाव है, ये आश्वस्ति भी बनती है कि निरंतर सुखी हुआ जा सकता है, और ये भी आश्वस्ति बनती है कि इसलिए बाहर भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाहर से कुछ जुटा कर जब सुखी होने जाता हूँ तो उसमें बहुत सारा श्रम करना पड़ता है, उसमें बहुत सारा मतलब अलग से एक बोझ जैसा लगता है कि इतना सारा कुछ करना पड़ेगा। जो पहले दिन ही चर्चा में रखा था कि एक तो ये हमको दिख जाए कि मानव के होने में मैं केंद्र में है ना, तो जो ह्यूमन रियलिटी है, मानव का जो अस्तित्व है, मानव की जो वास्तविकता है, उसको और बढ़िया ठीक से समझ पाना, विस्तार से गहराई से समझ पाना, तो हमको यह स्पष्ट हो सकता है कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ। वैसे हमें दिख सकता है कि अस्तित्व के होने में सहस्तित्व केंद्र में है, तो पूरा अस्तित्व सहस्तित्व पूर्वक है कि नहीं, और जो कुछ भी हमें प्रकृति और अस्तित्व में दिखाई दे रहा है वो इसी सहस्तित्व का प्रकटन है। ये भी बात हमें दिखाई देती है। और तीसरी बात यह है कि एक बार हमें यह समझ में आ जाए कि मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, पूरा अस्तित्व सहस्तित्व पूर्वक है, तो फिर इस आधार पर मेरी भागीदारी क्या होगी, मेरे जीने का कार्यक्रम क्या होगा, मेरा आचरण क्या होगा, इसकी स्पष्टता बनती है। तो जो मेरा कार्यक्रम है, मेरी भागीदारी है, वो तो यह है कि मैं सहस्तित्व को देख पाऊँ स्वयं में, इसका अनुभव कर पाऊँ, इसके आधार पर मेरे अंदर सहस्तित्व का ही भाव विचार सुनिश्चित हो पाए और ऐसा ही मेरा परस्परता में जीना हो पाए। इस गोल को हम लोगों ने पहले दिन भी डिस्कस किया था, इसको लेकर यदि कोई प्रश्न हो तो आप रख सकते हैं। जिन लोगों ने यूएचवी 2 किया है उनको ये बात थोड़ी स्पष्ट होगी, जिन्होंने सिर्फ यूएचवी 1 किया है या इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप किया है उनको ये बात थोड़ी सी नई लग सकती है। थोड़ी बात हम लोगों ने इसमें की थी यूएचवी 2 में, इस पर हमने पहले दिन भी इलैबोरेट किया था, परंतु यदि इसको लेकर कोई प्रश्न हो, जैसे मानव के होने में मैं केंद्र में हूँ, इसका अर्थ ये हुआ कि मानव मैं और शरीर का सहस्तित्व है, मैं की हर आवश्यकता निरंतर है, क्रिया निरंतर है, मैं भी निरंतर हूँ, शरीर जो सामयिक वस्तु है जिसकी हर आवश्यकता सामयिक है, हर क्रिया सामयिक है, वो इस मैं का एक साधन मात्र है। तो किस बात का साधन है, इस साध्य पूरा हो जाए, साध्य क्या है, मैं का विकास हो जाए, है ना, इतना ही है। तो इस बात से हमें स्पष्ट हो पाता है कि अल्टीमेटली मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें केंद्र में स्वयं का विकास है। वैसे जब मैं अस्तित्व को देखता हूँ तो मुझे पूरी प्रकृति व्यवस्थित दिखाई देती है, हर इकाई स्वनियंत्रित दिखाई देती है, हर इकाई ऊर्जित दिखाई देती है, हर इकाई हर दूसरी इकाई से जुड़ी हुई दिखाई देती है। उसके आधार को जब मैं देखता हूँ तो दिखता है कि इस पूरी व्यवस्था का आधार संपृक्तता है, कि पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है। ये हमने अभी दोनों ही वर्कशॉप में थोड़ी संक्षेप में बात की थी संपृक्तता को लेकर, इस पर हम लोग विस्तार से बात करेंगे और उसको मैं की क्रियाओं से रिलेट करेंगे, तो ये दूसरा गोल है। और जब मैं इस पूरी चीज को देख पाता हूँ तो मुझे अपना कार्यक्रम हर क्षण स्पष्ट होता है, बिना किसी बाहर के दबाव या प्रभाव के मेरा अपना कार्यक्रम निश्चित हो पाता है। तो एक तो ये बात मैं पूरी तरह से देख पाऊँ, मेरे अंदर ज्ञान पूरा हो पाए, और वैसा ही मेरा जीना हो पाए, मेरा आचरण पूरा हो पाए। तो ज्ञान की पूर्णता हो जाए, आचरण की पूर्णता हो जाए, है ना, यही मेरा कार्यक्रम दिखाई देता है एक मानव के रूप में, यही लक्ष्य है।
इसमें ये भी बात जोड़ ले साथ में कि UHV 3 का ये ऑनलाइन सेशन जो हम अटेंड कर रहे हैं उससे ये लक्ष्य कोर्स पूरा होते ही पूरा हो जाएगा ऐसा नहीं है तो परंतु इसकी स्पष्टता बन पाएगी और उससे जीने में भी हमको काफी परिमार्जन दिखाई देगा। जहां हम उलझे रहते हैं बाहर की वस्तुओं पे, जहां हम उलझे रहते हैं बाहर से कुछ पाकर सुखी होने के लिए, उसके स्थान पर स्वयं में हम और क्रियाशील हो पाएंगे, सही अर्थ में क्रियाशील हो पाएंगे। इस कोर्स का लक्ष्य है। प्रश्न ये है कि हमारा भाव तो सही है और दूसरा अपना भाव जब ऐसे कुछ रिएक्शन से उसके भाव से हमारा रिएक्शन में बड़ा फर्क पड़ने लगता है तो वो अभ्यास हम कर नहीं पा रहे क्योंकि उसके भाव से हमारे जो हमारे पर रिएक्शन हो रहा है उसमें एक सोसाइटी का लॉस भी है। हम उसको समझाना भी चाह रहे हैं कि एक जो वो कंटेंट है वो हम अगर मेरा है मैं क्लियर कराना चाहती हूँ तो शिक्षा विभाग से तो अगर मेरे पास उसका सर्टिफिकेट है तो वो मैं ही कराऊंगी। एक डिग्री होल्डर या फिर जो एक बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है वो नहीं करा पाएगा क्योंकि बेसिक मेरे को थोड़ा सा उसके बारे में पता है। पर वो अपने भाव में एक बिल्कुल वो स्थिर है और मेरे साथ वो ऐसे वो भावनाओं में कुछ ऐसा गड़बड़ हो जाता है तो इसके लिए मेरे को क्या करना चाहिए वहां पर जी, वही वो समझ नहीं पा रहा मैं उसको समझाना चाह रही हूँ जी अभी ना ये जो प्रॉब्लम है इसको जनरलाइज करें ये कॉमन सी बात है कि किसी मुद्दे को हम समझ पा रहे हैं अगला व्यक्ति नहीं समझ पा रहा। हाँ जी वो नहीं समझ पा रहा वो समझना भी नहीं चाह रहा। रुक जाइए अब यहाँ पे चूक हो गई। ऐसा नहीं कि समझना नहीं चाह रहा जैसे हम भी समझने में समय ले रहे हैं ना जी 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 ठीक समझना जी, चाहते हैं बहुत समय ले रहे हैं चाहते हैं और समझ रहे भी हैं बट अभी पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे वाकई में नहीं समझ पा रहे तो समझना चाहते हैं है ना और समझने का प्रयास करने के बावजूद नहीं समझ पा रहे हैं ठीक तो ये दिखता है अपने को कि चाहने में तो कोई कमी नहीं है ठीक परंतु अभी हमारा जो पूरा बैगेज है पुराना मान्यताओं का है ना अपने पुराने संस्कारों का उसके कारण हम कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं सहजता से उसमें समय लग रहा है। अगले व्यक्ति के बारे में दिख सकता है समझना तो चाहता है ठीक परंतु नहीं समझ पा रहा है उसमें हम में अंतर ये है कि हम समझने का प्रयास कर रहे हैं वो भी समझने का प्रयास भी नहीं कर रहा जी तो इतना तो अंतर है कि हम प्रयास कर रहे हैं अगला व्यक्ति प्रयास नहीं कर रहा परंतु चाहना दोनों की पूरी है। वो प्रयास कब करता है वो हम अपने आप में देखें हम भी प्रयास कब करते हैं जब हमको लगता है इस विधि से हम सुखी हो सकते हैं राइट सर उसको नहीं दिख रहा कि उस विधि से सुखी हो सकता है उसको अब अलग तरीके का सुख नजर आ रहा है वही तो उसकी अपनी कंडीशनिंग एक हो गई है। अभी भी हम देखें तो हम समझने के प्रयास में भी ऐसा नहीं कि हर क्षण इस बात को देख पाते हैं कि सही समझ से ही सुखी होने वाले हैं। हम भी बहुत सारी चीजों का अवलंबन लेते हैं कि नहीं yes, तो पुरानी पुराने हमारे ढर्रे बने हुए हैं अभ्यास बना हुआ है उसके आधार पर हम बाहर की ओर भागते ही हैं। तो हम भी अगर देखें तो पूरी तरह से प्रयास नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बहुत सारा जो पुराना कंडीशनिंग है वो उसमें बाधा उत्पन्न करता है। तो अंतर ये है चाहने में कोई अंतर नहीं है प्रयास में अंतर हो सकता है उपलब्धि में अंतर हो सकता है चाहने में कोई अंतर नहीं ये बात हमको समझ में आता है तो फिर हम उस विधि को देखते हैं जिससे वो व्यक्ति इसको सुख के साथ जोड़ के देख पाए उसको भी लगे या उसको भी दिखे कि हाँ इस विधि से सुखी हुआ जा सकता है इसकी निरंतरता हो सकती है। तो हम फिर क्या करते हैं उसके प्रति कोई विरोध का भाव रखने के बजाय हम उसके लिए और बेहतर ढंग से सहयोगी होने का उपाय करते हैं कि हम उसके लिए और अच्छे ढंग से कैसे सहयोग कर पाए वो कैसे समझ पाए जी, उसकी जैसी स्थिति है उसके अनुसार उसके समझने में सहयोग करते हैं। समय हम सबको लगने वाला है ना जी, तो अच्छी बात यह है कि चाहना सबकी प्योर है उसमें कोई कमी नहीं है हर सेल्फ की चाहना वही है क्षमता भी हर एक सेल्फ में है समझने की और सबके लिए समझने का कार्यक्रम भी यही है कि अपने आप में जांच पर करके समझेगा कोई पुस्तक पढ़ के समझ जाएंगे ऐसा नहीं है किसी की बात मान के समझ जाएंगे ऐसा नहीं है है ना कोई रूढ़ी का पालन करके समझ जाएंगे ऐसा नहीं है अपने आप में जांच परख करके ही समझेंगे। तो इतनी बात हमको सहज रूप से धरती के हर मानव के बारे में दिखाई देता है और फिर हमको दिखता है हमने कितना समझा अगले ने कितना समझा और इसके अर्थ में हम योजना कार्यक्रम बनाते हैं।
तो इस बात को हम जितना अपने आप में स्पष्ट रूप से देख पाएंगे ना, उतना हम अपने विचार में स्पष्ट रहेंगे, हमारे अंदर कभी उसकी चाहना पर शंका नहीं होगी। ठीक है, योजना और प्रक्रिया जी, जहां तक मेरे को समझ आ रहा है कि अब हम लोगों को योजना और प्रक्रिया के ऊपर वर्क करना चाहिए। अपने ऊपर वर्क करना चाहिए, देखेंगे तो पाएंगे जी, आप पाएंगे कि हमारे भाव में ही चूक हो जाती है। योजना और प्रक्रिया तो विचार और निर्वाह में है। अच्छा, योजना और प्रक्रिया विचार पर। ठीक है जी सर, योजना हम विचार बनाते हैं, प्रक्रिया हम निर्वाह में अपनाते हैं, जो हम दूसरे के साथ एक्सप्रेस करते हैं, शेयर करते हैं। सर ये बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके ऊपर ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है सर। सर ये अगर दो तीन बार रिपीट होगी तो तभी हम लोग भी समझ पाएंगे। बढ़िया, मैंने तो कहा उसको आप उसको है ना ध्यान दे लीजिए, बढ़िया बात है जी। हाँ जी, ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है सर, क्योंकि वो एक थॉट्स के ऊपर डिपेंड है, और थॉट्स के बाद सर एक और चीज बताई वो नहीं समझ आई। निर्वाह करते हैं, निर्वाह, यस सर, थॉट्स एंड निर्वाह। ठीक है, तो विचार करते हैं, विचार के आधार पर व्यवहार कार्य करते हैं, ये व्यवहार कार्य हमारा निर्वाह है। तो कई बार क्या होता है कि हम विचार के स्तर पर या निर्वाह के स्तर पर समाधान ढूंढने जाते हैं, भाव निश्चित नहीं रहता। राइट सर, भाव भी निश्चित नहीं, फिर भाव से भी भटक जाते हैं। बिल्कुल, वहीं भटकते हैं, पहले भाव से ही शुरू होते हैं और फिर वहीं पर भटक जाते हैं जी। राइट सर, है ना, तो भाव निश्चित हो जाए हमारा। राइट सर जी, निर्वाह का मतलब फुलफिलमेंट, यानी जो हम व्यवहार कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, भागीदारी कर रहे हैं, ये निर्वाह। तो हम लोगों ने अभी तक ये देखा था कि जाने अनजाने में हम अपने लाइफ के कुछ पर्पज को अज्यूम कर लेते हैं और उसके लिए हम कुछ कार्यक्रम भी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो जो हमारा पर्पज है और जो प्रोग्राम है वो बेसिकली इस बात पर निर्भर करता है कि हमने मानव के बारे में क्या माना हुआ है, हमने अस्तित्व के बारे में क्या माना हुआ है। तो हम जैसा मानव के बारे में मानते हैं और जैसा अस्तित्व के बारे में मानते हैं, उसी आधार पर हम पूरी योजना बनाते हैं। अगर कोई बिलियनेयर भी बनने का प्रयास कर रहा है तो उसने कुछ माना हुआ है मानव के बारे में, उसने कुछ माना हुआ है अस्तित्व के बारे में, उससे बात करेंगे तो निकल कर आएगा, है ना, बहुत सारी मान्यताएं हो सकती हैं। अगर कोई पूरी समाज के लिए अपने को लगा रहा है, अपना तन मन धन लगा रहा है, उसने भी कुछ माना हुआ है। ये हो सकता है कि माना हुआ जानने पर आधारित है या बिना जाने हुए, तो कुछ मान कर ही हम करते हैं। हम जो कुछ भी करते हैं मानव के रूप में, हम कुछ मानते हैं, उसके आधार पर पहचानते हैं और फिर निर्वाह करने जाते हैं। तो मानने से तो शुरुआत होना ही है ना, मानने से कम में तो हम पहचान ही नहीं पाते। तो हमने कुछ माना हुआ है, मानव के बारे में माना हुआ है, अस्तित्व के बारे में माना हुआ है। तो हमने कुछ माना हुआ था जब हम इस पूरे कंटेंट से परिचित नहीं थे, है ना, मानव के बारे में, अस्तित्व के बारे में। और ये हो सकता है कि अभी तक जो हमने प्रयास किया, अभ्यास किया, उससे हमारे मानने में कुछ परिवर्तन, कुछ परिमार्जन हुआ हो, जो हमने जांच परख की, तो उसको एक बार देख लेते हैं कि किस तरह का परिवर्तन या परिमार्जन हुआ होगा। तो इसके थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, देखते हैं किस रूप में हमने माना हुआ है या नहीं माना हुआ है। तो हमारे क्या एजम्पशंस हो सकते हैं यूएचवी टू से पहले और यूएचवी टू के बाद। यूएचवी टू का मतलब है कि जो भी अभी हमको कंटेंट मिला उसमें अगर देखें, तो जब हमको यूएचवी से परिचय नहीं हुआ था तो हम मानव के बारे में क्या मानते थे। तो इसको यूएचवी टू भी कह सकते हैं, यूएचवी वन भी कह सकते हैं, यूएचवी इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप भी कह सकते हैं। तो क्या हम मानव के बारे में ये मानते थे क्या, मानव शरीर मात्र है। तो यूएचवी का जो हमको इंट्रोडक्शन मिला, जो कंटेंट अभी जानने को मिला, उससे हमारा इस बात पर ध्यान गया होगा कि मानव शरीर नहीं है, मानव मैं और शरीर ये दो वास्तविकताओं का सह अस्तित्व है। तो एक इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आप पाएंगे, भले ही हम उसको अपने आप में ही बहुत ठीक से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते, कि हम ये मैं शब्द बोलते रहते हैं, है ना, आप पहले भी बोलते रहे हैं, आज भी बोल रहे हैं, आगे भी हम बोलेंगे, बट ये मैं के बारे में पहले हो सकता है कोई स्पष्टता नहीं थी, ये मैं होता क्या है, बोलते थे, है ना, और उसको ओमिट कर जाते थे, जब भी कोई पूछे तो ओमिट कर जाते थे, क्योंकि बहुत स्पष्टता नहीं थी। तो मैं के होने का पता लगता है अगर इस तरह के प्रस्तावना से हम गुजरते हैं, चाहे ये जो प्रस्ताव यूएचवी के थ्रू जा रहा है वो, या फिर इसी संदर्भ में कहीं और से प्रस्ताव मिला हो, तो हमको मैं के होने का पता लगता है कि मैं भी एक वास्तविकता हूँ, है ना।
उससे पहले की स्थिति को देखेंगे तो हम कुछ चीजों को पढ़े रहते हैं, कुछ चीजों को सुने रहते हैं और उससे हमारे अंदर कुछ धुंधला धुंधला सा रहता है कि कुछ होगा। जैसे एक शब्द सुन लिया आत्मा, तो आत्मा कुछ होती है, वो शब्द सुन लिया जीव, जीव कुछ होता है, फिर उसके साथ कुछ कथा कहानी सुन ली, पौराणिक कथाएं सुन ली, है ना, किसी साधु संत के बारे में हमने सुन लिया, तो कुछ धुंधला धुंधला सा रहता है। पर एक शिफ्ट हमको मिलता है यूएचवी के कंटेंट से गुजरने के बाद कि मैं एक इकाई हूँ, एक वास्तविकता हूँ, है ना, और मैं शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। क्या लगता है ये शिफ्ट अपने को मिल पाया है क्या, कि पहले हम अपने आप को शरीर मानते थे या पहले क्या मानते थे पता भी नहीं था कि नहीं। यूएचवी कंटेंट से गुजरने के बाद हमको पता लगा कि मैं और शरीर ये दो वास्तविकताएं होती हैं और दोनों अलग अलग वास्तविकताएं हैं और दोनों का सहस्तित्व है। ये कहना ठीक होगा, हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। अगर मैं अपने आप में देखूं तो मेरी भी यही स्थिति थी कि जब इस तरह का प्रस्तावना नहीं मिला था तो मैं कुछ होता होगा, है ना, बहुत नहीं था। जी भैया बोलो, कुछ जो सुना उसके बारे में कुछ एक धुंधला धुंधला सा एक है ना इम्प्रेशन होता था कि ऐसा कुछ होता होगा, और जब भी इसके बारे में कोई बात करनी होती थी कहीं ना कहीं से रेफरेंस ड्रॉ करना पड़ता था, जो किसी पुस्तक में लिखा है, किसी को सुना है, है ना, और जहां जहां से डिस्कोर्सेस सुनने को मिलते थे सबको ध्यान से सुनते थे और सोचते थे कि हाँ ऐसा कुछ होता होगा, परंतु बहुत स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पाते थे। इस कंटेंट से गुजरने के बाद पता चला कि हाँ ये एक वास्तविकता है और इसको ठीक ठीक जाना समझा जा सकता है। मैं अभी 2-3 दिन से तो एकदम शांति से सुन रहा था, लेकिन जैसे आज अपना मैं और बॉडी, क्या बोलते, सेल्फ और उस पे आगे अपन, तो ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। तो अभी भी आप जो बोल रहे हैं तो अभी भी मतलब मुझ में तो भी ये है कि हम अभी सेल्फ जो है मैं और शरीर, इससे हम एक ही समझते, मतलब अभी भी समझ रहे हैं, क्योंकि अगर हम एक नहीं समझेंगे तो शरीर के प्रति अच्छा भाव हम नहीं रख पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा है कि मुझे अगर मैं को सुधारना है तो मुझे पहले शरीर को सुधारना पड़ेगा। तो इसके ऊपर अगर आप थोड़ा एक्सप्लोर और ज्यादा करेंगे तो बेहतर रहेगा। बिल्कुल, यस, इस पर हम लोग बात करते रहेंगे, अभी तो सिर्फ शिफ्ट की बात हो रही है, इसके विस्तार में हम लोग जाएंगे। बिल्कुल 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 सर जी, बिल्कुल, क्योंकि मैं के बिना शरीर, मतलब शरीर के बिना मैं नहीं हो सकता, सिर्फ मैं करके अगर काम करेंगे तो फिर शरीर को छोड़ दिया तो कुछ नहीं हो पाएगा, ये मेरा क्या बोलते मानना है। ठीक है जी भैया, इसमें भी आप देखेंगे कि थोड़ी इस पे बात होती है तब हम इतने स्पष्ट रूप से कह पाते हैं, नहीं तो ये मैं शरीर क्या होता है, जैसे ही लगता था कि ऐसी कोई बात करनी है, कोई स्पिरिचुअल बात हो रही है ना, और ये कुछ नहीं। अभी मैंने फेस टू फेस एफडीपी भी लिया नागपुर में, तो उसमें बहुत सारे लोग वो अलग इसमें चले जाते हैं, फिर आत्मा क्या है, फिर उसका पुनर्जन्म क्या होता है, वो सब बातें नहीं है ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है जी भैया, जी भैया नमस्ते जी, जी। तो कई बार लगता है कुछ रहस्य है, कुछ स्पिरिचुअल है, कुछ ऐसा है, कुछ वैसा है ना, ये एक अध्ययन करने की वस्तु हो सकती है, इसके ऊपर ऑब्जेक्टिवली बात हो सकती है, इसका विश्लेषण हो सकता है, इसके ऊपर चर्चा हो सकती है, है ना, ऐसा कई बार लगता ही नहीं था, ऐसा हो सकता है, हम सबके साथ हो सकता है, है ना। तो अब उससे इतनी तो स्पष्टता बनती है कि नहीं, मानव का मतलब मैं और शरीर दो वास्तविकताएं, ठीक है ना। अब चूंकि मैं की स्पष्टता नहीं थी तो अलग से शरीर क्या बोले, तो एक मानव ही कहते थे और उसको मिला जुला रूप में देखते थे, पता नहीं क्या है। तो एक अच्छी उपलब्धि तो ये है कि वर्कशॉप से गुजरने के बाद हमको मैं और शरीर ये दो शब्द हैं जिनका कुछ निश्चित अर्थ है, दोनों का अलग अलग अर्थ है और दोनों जुड़े हुए आपस में एक मानव के रूप में, इस पे हमको क्लैरिटी मिलती है। सर मैं ये पूछना चाहता हूं, मैं कि ये क्या स्थिति है कि जैसे किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है आदमी, या मैं भी जाता हूं? वहां नहीं जाते हैं अभी, रुकिए रुकिए भैया, अभी वहां नहीं जाते हैं, अभी तो ये प्रश्न हो रहा है कि ये शिफ्ट आप अपने आप में देख पा रहे हैं कि नहीं। नहीं सब शिफ्ट की सब बात कर रहा हूँ, ये शिफ्ट से ही रिलेटेड है, मैं भी और मेरा एक फ्रेंड है वो भी साथ जी। तो मैं की स्थिति ये है साहब, अभी उस सब बात हो रही थी, मैंने कहा यार तुम भी ज्वाइन कर लो, कल बात हो रही थी, तो कह रहा था क्या, बोले यार मेरी तो स्थिति ये है कि मैं जहां भी गया आज तक मेरे साथ एक तरह से देसी लैंग्वेज में कहा कि लूटमार सी हुई है। रुक, मैं फिर रोकूंगा आपका, फिर दूसरे के बारे में बात करने लगे, देखिए अपने बारे में बात करनी है। अरे साहब मैं वही बात कर रहा हूँ साहब,
मैं कि ये क्या स्थिति होती है, जैसे मैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता हूँ साहब और गया भी हूं, तो वहां वो जो भी कहता करने के लिए तैयार होता है, लेकिन मैं कि ये स्थिति ये क्या होती है कि जो सही कोच के लिए कहा जाए कि तू ये काम कर या डोनेट कर वो कर, तो बड़ा धीमे धीमे करता है साहब वो, और वहां जाकर वो तेजी से एकदम कर देता है साहब। मैंने अपने ऊपर भी एनालाइज किया साहब ये, मैं इसलिए ये मैं भी नहीं समझ पा रहा साहब। आप बताइए कि आप ऐसा क्यों कर रहे थे, ये तो आपको ही बताना पड़ेगा। मुझे तो सब ये लगता है कि वहां मुझे एक शॉर्टकट था, एक प्रलोभन था कि ये मेरा काम तुरंत हो जाएगा, तो इसलिए मैं तुरंत देने के लिए तैयार होता हूँ जी, जो मैं सोच पा रहा हूँ साहब। हाँ, तो ये कुछ प्रलोभन था, कुछ बाहर से सुख पाने की आशा थी, कोई घटना से सुखी होने की आशा थी, तो ऐसा लगता था कि अगर ये घटना घटित हो जाए है ना, तो बस लाइफ बन गई, तो जॉब लग जाए है ना, यहाँ शादी हो जाए, यहाँ लॉटरी लग जाए, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी लग जाए, ठीक है प्रॉपर्टी मिल जाए, तो अपने को लगता है कि बस लाइफ बन गई, और उसी आशा में हम अपने आप को लगाए रखते हैं, उसी आशा में हम लोगों से मिलते रहते हैं, उसी आशा में हम बहुत सारा विचार करते रहते हैं। अभी देखिए समाज में बड़ा भाग ऐसा जी ही रहा है किसी घटना से सुखी होने में लगा हुआ है, ये प्रॉपर्टी हाथ लग जाए है ना, ये जॉब हाथ लग जाए, या फिर ये पर्टिकुलर पोस्ट हाथ लग जाए, कोई पद हाथ लग जाए, तो अभी हम उसको मान लेते हैं कि इससे सुख होगा, इसलिए उसके लिए हम बहुत सारा जुगाड़ करते रहते हैं। परंतु अब ये कुछ स्पष्टता बन पाती है इस पूरे कंटेंट से गुजरने के बाद जी। मैं सब दूसरे के लिए मैं अपनी स्थिति में कहता हूँ कि वहां उनसे पूछने के लिए चलना, तो सुबह उठकर भाग लेंगे, 3 बजे भी उठकर चल देंगे, या एक दिन पहले जाकर वहां तैयार होकर बैठ जाएंगे, रुकेंगे भी जी। लेकिन सही काम के लिए आदमी का बड़ा धीमे धीमे वो बनती है, हाँ चलो कर देंगे यार। अब आदमी को जाए अपने बारे में देखें कि मेरे स्थिति क्यों बनती है। अरे सब मैंने आपको वही तो बताया ना। ठीक बात है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि हम कंडीशन्ड हैं बहुत तरीके से है ना, तो हमारा उत्साह नहीं बनता, परंतु जिस क्षण में हमको लगने लगता है कि यही सुखपुरुष जी ने कार्यक्रम है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि पहले हमको लगता था कोई समाधान नहीं है, तो हम नहीं के अर्थ में सोचते थे कोई समाधान नहीं है, उसके बाद लगता था यह भी एक समाधान है ना, तो फिर हमने इसको साथ में जोड़ लिया, तो नहीं से हम भी की ओर शिफ्ट हुए, वहां भी एक शिफ्ट मिला, कुछ नहीं है उससे आगे बढ़े कि यह भी है, इसको भी ट्राई कर लो, उससे धीरे धीरे हम ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं कि यही समाधान है, तो नहीं से भी और भी से ही, ये हम सबकी एक यात्रा है। तो जब लगता है कोई समाधान नहीं है, तो हम जैसे आप उदाहरण दे रहे ना, किसी ज्योतिष पास चले गए, कहीं इधर चले गए, कहीं उधर चले गए, किसी प्रकार कुछ तरीका निकल जाए, फिर वहां से हमको जब सही प्रस्ताव सुनने को लगता मिलता है, तो हम इस पे ध्यान देना शुरू करते हैं, हमको लगता है यह भी एक समाधान हो सकता है, अब कहीं बाहर भागने की जरूरत नहीं है, हो सकता है सुख का स्रोत भीतर हो, उसको ट्राई करते हैं देखते हैं, फिर इस गति को बनाए रखते हुए हमको धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाती है कि हमको लगता है यही समाधान है, बाकी बाहर समाधान नहीं है, सही समझ सही भाव से ही समाधान है, तो इसमें हम सबको समय तो लग सकता है जी। बढ़िया भैया जी। सर जी सर, मैंने सब मैंने अपना इतना शिफ्ट तो देखा है, जैसे कोई अपना दोस्त या कोई भी जा रहा है कि साहब अलग वो फ्लाइट से जा रहा बुक करके, बल्कि जैसे कहने चार्टर्ड वाले उससे, और पहले ये बड़ा फील होता। भैया मैं आपको बार बार रोक रहा हूँ, अभी हम सर सर अपने बारे बात कर ले, क्या ये सब तो बाहर की समस्याएं गिनाने के लिए पूरी उम्र पड़ी अपने पास कि नहीं? अभी सब मैं अब वही तो आपको बता रहा हूँ कि पहले बड़ा पेन होता था कि मुझे पूछा नहीं, मुझे साथ नहीं लेके गया, लेकिन अब नहीं होता साहब बिल्कुल भी। अरे ठीक है जाना जी, बहुत बढ़िया भैया। अब ये शिफ्ट तो साहब मैंने देखा है साहब, अरे ठीक है हम ट्रेन से चले जाएंगे या अपनी गाड़ी चले, कोई प्रॉब्लम जी। बहुत अच्छा, ये तो एक अच्छी बात बताई आपने कि कम से कम ये तो हम शिफ्ट अपने आप में देख पा रहे हैं जी। उससे साहब जो अपनी पीड़ा है ना साहब, वो बहुत कम हो जाती है, हो रही है जी जी। उससे हम अपने आप को पीड़ा ही दे रहे थे साहब, मैं जो लगता है जी, कि उसने पूछा नहीं, लेके नहीं गया, वो नहीं किया, अब जोर नहीं पड़ता साहब बिल्कुल, मेरे कोई जरूरत नहीं जी। सबसे बड़ा शिफ्ट साहब वो है जो अपनी पीड़ा कम हो रही है साहब इससे
बहुत बढ़िया भैया, बिल्कुल थैंक यू सर, थैंक यू जी जी, बहुत बढ़िया। तो हमारी मान्यता पहले क्या थी और अभी हम क्या देख पा रहे हैं, है ना, तो उसमें मानव के बारे में एक शिफ्ट अपने आप में दिखाई देगा। वैसे अगर हम अस्तित्व की बात करें तो अस्तित्व को हम किस रूप में पहले मानते थे कि समूचा अस्तित्व जड़ है। जैसे अभी देखें प्रचलित विज्ञान में तो जड़ मानकर ही सारा कुछ रिसर्च कर रहे हैं कि किसी तरीके से जड़ के रूप में एक्सप्लेन कर लें, कॉन्शसनेस को भी जड़ के रूप में एक्सप्लेन कर लें, स्पेस को भी जड़ के रूप में एक्सप्लेन कर लें, उसके लिए बहुत सारी थियरी हाइपोथेसिस है ना, ये सारा कुछ हम देते रहते हैं। तो हम सभी फॉर्मल एजुकेशन से गुजरे हैं, तो हम थोड़ा सा एक बार रिविजिट कर लें कि पास्ट में हम अस्तित्व के बारे में क्या मानते रहते थे। जब हम इस पूरे कंटेंट से गुजरे तो हमें पता चला कि पूरा अस्तित्व जो है उसमें दो तरह की वास्तविकताएं हैं, इकाइयां हैं और शून्य है ना। तो शून्य भी वास्तविकता है, पहले स्पेस भी कहते थे तो लगता था कि धरती के बाहर ग्रहों के बीच में जो कुछ होता है उसको स्पेस कहते हैं, तो कहते हैं ट्रैवल इनटू स्पेस, मतलब क्या कि धरती से बाहर जाना है, धरती के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाना है, उसको स्पेस मानते थे। अगर स्पेस की कभी बात भी होती थी तो जैसे स्पेस की बात हुई कॉस्मोस ध्यान आएगा, गैलेक्सी ध्यान आएगा, ग्रह उपग्रह ध्यान आएंगे, सारे नक्षत्र ध्यान आएंगे, है ना, ऐसा हो सकता है। इस कंटेंट से गुजरने के बाद दिखता है कि स्पेस वह है जो सर्वव्यापी है, जो है ना असीम है, जो हर जगह व्याप्त है, और इकाइयां हैं। तो आप पाएंगे कि हम पहले अपने बारे में तो इकाई जैसी कोई बात रखते ही नहीं थे। इकाई क्या होता है भाई, मैं तो मानव हूँ, इसको इकाई क्यों कहें, इकाई का मतलब जड़ इकाइयां, ठीक, कुर्सी टेबल चेयर, कुर्सी टेबल है ना, गाड़ी घर, ये सब इकाइयां कही जाएंगी, मानव की इकाई क्यों कहें, पहले तो ऐसा भी लग सकता था। और स्पेस की बात करते थे तो धरती से बाहर जो खुला आकाश है उसको ही स्पेस कहते थे, परंतु अब पता लगता है कि पूरा अस्तित्व जो है वो इकाइयां जो स्पेस में बनी हुई है उसको जोड़कर कहा जाता है। तो एक तो ये हमको और ध्यान जाता है, और ये भी ध्यान जाता है कि इकाइयां दो प्रकार से हैं, चैतन्य और जड़। इस पे हम ये अपने आप में ये स्पष्टता देख पा रहे हैं कि नहीं, क्या लगता है कि इस पूरी बात से परिचय के पहले हम पूरे अस्तित्व को क्या देखते थे, क्या मानते थे, और अभी ऐसा कुछ हम देख पा रहे हैं कि नहीं कि इकाइयां हैं शून्य हैं, इकाइयां शून्य में बनी हुई हैं और इकाइयां दो प्रकार से हैं। ये भी हम देख लें कि ये शिफ्ट हमको मिला है कि नहीं, बिफोर यूएचवी एंड आफ्टर यूएचवी, जो भी हमने अभी तक यूएचवी वन किया, इंट्रोडक्टरी किया, यूएचवी टू। मैं ये आपसे थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी है कि आपने लगभग सारे मॉड्यूल्स कर लिए और आपको मैं ये देख रहा हूँ एक्टिवली आप मीटिंग में भी, जो मंथली मीटिंग है उसमें भी आप अच्छा अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि आप जो है यूएचवी कंटेंट से रिलेटेड सारी चीजों को जान सकते हैं, लिमिटेड है सब। मैं इसमें क्योंकि मैं एज ए रिसर्चर भी हूँ, मैंने पीएचडी भी किया है और एज हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी हूँ, तो मैं सर मैं आपसे चाहता हूँ कोई दो टॉपिक मेरे को ऐसे बता दें जिससे कि मैं इसमें आगे फर्दर रिसर्च पेपर लिख सकूँ, उसको पब्लिक कर सकूँ, और सर साथ में आपका नाम भी चाहिए सर। नहीं नहीं, ये दूसरा भाग रहने दीजिए, और मैं कहूंगा कि है ना रिसर्च के लिए पेपर पब्लिश करना मुख्य काम नहीं है। अगर आपको दो टॉपिक्स चाहिए तो ज्ञान और आचरण, ये दो टॉपिक्स हैं। तो नहीं, जो आपको लगता है सर कि इसमें चीजें छूट गई है, जैसे जो आपको लगता है कि जैसे हम लोग इसको, आपने अब तो सर हमारे से आगे सीनियरिटी पे है ना, आपने काफी टाइम से ये कर रहे हैं इसको और आप लगातार एफडीपी करवा रहे हैं, तो आपको पता है कि कौन कौन सी चीजें रह रही हैं जिसमें अभी एक्सप्लोर करना बाकी है सर। तो मैं वही चीज कर रहा हूँ, मैं बाकी स्टडी तो मैं कर रहा हूँ सर, तो मैं समझ रहा हूँ साथ साथ एक रिसर्च पेपर इसमें लिख दिया जाए, तो इसके लिए सर आपसे दो टॉपिक मैं चाहता हूँ ताकि आपका मार्गदर्शन मिल सके, और सर आपका नाम भी पेपर पब्लिशिंग के लिए जी, अभी उसको रहने देते हैं, बट थोड़ा सा अगर इसको आप एक्सप्लोर करें कि रिसर्च पेपर पब्लिश करने का प्रयोजन क्या है। हाँ वो सर आपसे ही नहीं, वो इसमें क्योंकि देखिए सिनेमा में मेरे को ये लगता है कि ये जो है जैसे जब ये एक हमारे भाई ने बताया कि वो ज्योतिष शास्त्र के पास गए, वो इसलिए गए कि वहां पर समस्या समाधान दोनों है। अब मैं भी यही सोचता हूँ कि यहाँ पर सर हमारे मनुष्य से रिलेटेड समस्या के बारे में भी जिक्र है, उसका समाधान भी यूएचपी में है। मैं सही कह रहा हूँ सर जी? तो इसलिए ज्यादा इफेक्टिव अभी इस स्टेज पे है ना ये होगा कि हम इस पूरी बात को पहले ठीक से समझें, समय लगाकर, बहुत हड़बड़ी ना करें, ठीक है ना।
आप क्यों हमारे जीने में आए। यस देखिए आप पेपर पब्लिश कर भी देंगे और जब ऑथर से कोई मिलने जाएगा और लगा कि भाई इनका भी आचरण निश्चित नहीं हुआ है तो उनको लगता है ये ठीक है एकेडमिक काम है ना, पढ़ लिया लिख लिया पेपर छाप लिया नाम कमा लिया, पर इनके जीने में तो कुछ आया नहीं। यस सर मैं समझ गया, मेरे अपने आचरण में इसको भी मैं निश्चित कर रहा हूँ। वो है वो कर रहे हैं सर साथ में लगे हुए। तो ज्यादा महत्वपूर्ण तो ये है कि इस पूरी बात को हम समझ लें और शोध के दो ही मुद्दे हैं ज्ञान और आचरण। संपूर्णता का ज्ञान हो जाए ताकि मेरा पूर्ण विकास हो जाए और मेरा आचरण पूरा हो जाए ताकि मेरी भागीदारी पूर्ण हो जाए। मैं इसमें एक टॉपिक मेरे माइंड में आ रहा है कि सर जैसे ये यूएचबी हमारा 2017-18 से शुरू हुआ है सर लगभग 18-19 से, तो उससे अब तक जिन जिन लोगों ने अभी तक ये यूएचबी अटेंड किया है तो उनकी लाइफ में जो मतलब पॉजिटिवनेस इफेक्ट वगैरह क्या क्या आया है, हालांकि सब रिफ्लेक्ट कर देते हैं सब बता देते हैं है ना, तो उसका अभी क्या अभी मैं जो नरेश जी को भी रोक रहा था अभी अपने ऊपर ध्यान दें हम है ना, दूसरों में क्या परिवर्तन हुआ नहीं हुआ, कहाँ शेष रह गए कहाँ पूरे पड़े, फिर ध्यान बाहर की ओर जाएगा। यूएचबी 3 में पूरा प्रयास है कि ध्यान आपका अपनी ओर चला जाए। हमें प्रस्तावना मिल गया इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में, यूएचबी 2 में उस प्रस्तावना का हमने बारीकियां भी सुन ली है ना, अब काम जो करना है वो ये है कि वो हमको दिख जाए, अपने ऊपर ध्यान देंगे तभी दिखेगा। जितना बाहर की ओर हमारा ध्यान फैलेगा उतना स्वयं से ध्यान हटेगा। हाँ भैया जैसे इकाइयां दो तरह की मतलब बताई ना एग्जिस्टेंस में कॉन्शियसनेस और चेतन और जड़, तो ये हर दो इकाई के बीच में स्पेस होता है और जो इकाई है वो दिखाई देती है ना, लेकिन ये जो चैतन्य इकाई नहीं दिखाई देती है ना, आंख से नहीं दिखाई देती है दिखाई नहीं देती है क्या लगता है? हेलो हाँ चैतन्य इकाई दिखाई नहीं देती है या चैतन्य इकाई आंख से नहीं दिखाई देती है? अच्छा। क्या कहना चाहूंगे? हाँ वो तो हाँ है भैया, वो मतलब मन से मतलब दिल मतलब जैसे बोलते हैं ना अंदर से दिखाई देती है हमको। हाँ अभी तो देखिए अभी देखने का मतलब भी क्या है इसको हम लोग मॉड्यूल 2 में बारीकी से बात करेंगे कि देखना कैसे। हाँ जी हाँ जी अभी तुमको एटम भी आंखों से नहीं दिखाई देता। हाँ जी हाँ जी हाँ जी स्पेस के बारे में हम कुछ पता लगा लेते हैं बट स्पेस भी हमको आंखों से दिखाई नहीं देता। इकाइयां दिखती है इकाइयों को इसकी दूरी को स्पेस कह देते हैं। ठीक तभी तो हमारे देखने का पूरा अभ्यास आंखों से है या संवेदनाओं से है, इसलिए हमको है ना चैतन्य के बारे में या शून्य के बारे में ऐसा लगता है कि ये कुछ विशेष बात हो रही है, परंतु अगर देखने के अर्थ को समझे तो पता लगता है अभी हम देख भी कहां रहे हैं, हम आस्वादन करते हैं, बाहर से कोई प्रभाव पड़ता है शरीर पे उससे कुछ संवेदना उत्पन्न होती है, उस संवेदना का मैं आस्वादन करता हूँ उसी को मैं देखना कह लेता हूँ। अभी देखा क्या है ये अभी तय नहीं है। हाँ जी देखना मतलब अनुभव जो है जो हम अपने मतलब वही ना कि मतलब दिखाई एक तो जो दिखाई दे आंखों से एक दिखाई दे अंदर से जो समझ आए हमको है ना जिसका मुझे अनुभव हो वो भी मतलब दिखाई देना ही है। अभी जिसको हम समझना भी कहते हैं ना आप पाएंगे कई बार हम विचार पूरा होने को ही समझना कहते हैं, जैसे हाँ अभी बात समझ में आ गई यानी उसका विश्लेषण पूरा हो गया, तो अभी एक एक शब्द के भी ना अगर गहराई में जाएंगे तो पता लगा कि अभी हम उस शब्द को उस अर्थ में प्रयोग नहीं कर रहे जिस अर्थ में वो है। तो देखने का मतलब आंखों से कुछ देख लेना, समझने का मतलब विचार पूरा हो जाना, जबकि समझने का मतलब विचार पूरा नहीं होना है ना, वो तो स्पष्ट होना हुआ वो तो विचार में स्पष्ट हुआ, समझने का मतलब तो व्यवस्था समझ में आना और वो देखने के साथ ही हो पाता है। बिल्कुल सही भैया बहुत बढ़िया। हेलो हाँ भैया नमस्ते। ये ज्ञान और आचरण आपने भी एक शब्द यूज किया था ना जी थोड़ी देर पहले, जरा भैया इसका मतलब फिर समझा दीजिए ज्ञान और आचरण का और जीवन में क्या मतलब है? तो ज्ञान का मतलब है कि स्वयं में क्रियाओं का विकास होना, जो मेरी क्रियाएं हैं जो अभी अजागृत हैं उनका विकास हो जाना ज्ञान है। इसे भाव आप भाव कह रहे हैं भाव को स्थिर हो जाना ज्ञान है। हाँ तो भाव भी निश्चित होंगे जब हमको भाव दिखाई देते हैं, व्यवस्था की स्पष्टता होगी तो व्यवस्था भी हमको दिखाई देती है तो बोध पूरा होता है, तो चिंतन हो पाना बोध हो पाना सहस्तित्व का अनुभव हो पाना ये ज्ञान है। और आचरण क्या है फिर? आचरण मतलब परस्परता में जो भागीदारी है मानव के साथ शेष प्रकृति के साथ और उसको आगे बढ़ाएं तो समग्र व्यवस्था में जो मेरी भागीदारी है वो मेरा आचरण है। तो इन भावों के साथ जब प्रस्तुत होते हैं
समग्र व्यवस्था से जिसमें मानव से लेके प्रकृति से लेके सब कुछ आ जाता है, तो उसको हम कह रहे हैं आचरण। आचरण मतलब जीना। अच्छा, नहीं तो जैसे मैं का मैं से संबंध है, तो उसमें जो मैं से मैं के संबंध में जो जीना है वही आचरण है। हाँ, उन भावों तो, के साथ। हाँ, तो जो जीना मनुष्य के साथ है वो भी, पशु पक्षियों के साथ है वो भी, पेड़ पौधे के साथ है वो भी, हवा पानी पत्थर मिट्टी है ना, इनके साथ जो जीना है वो भी, और उसके लिए जो हम अपने आप में कल्पनाशीलता कर रहे हैं वो भी। तो जो ज्ञान का मतलब है कि जो अनुभव का आयाम है ना, ब्लॉक B1 है उसको ज्ञान कहा। अच्छा, और उसके नीचे जो कुछ है वो सारा आचरण है। अच्छा, जो इच्छा विचार आशा है वो सारा आचरण है। वो भी आचरण है, इच्छा में भी चित्रण वाला भाग आचरण है, चिंतन का भाग ज्ञान है। नहीं नहीं फिर से बोलिए, मैं समझ नहीं पाया थोड़ा सा। इच्छा में दो क्रियाएं है ना, हम लोग बात करेंगे उस पे। इच्छा में दो क्रियाएं हैं, चित्रण और चिंतन। तो चित्रण का जो भाग है ना वो आचरण का भाग है, जो चिंतन है वो ज्ञान है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये स्थिर हो जाए तो ये आचरण हो गया। ये होता ही अगर ज्ञान होता है, ज्ञान नहीं होता तो ये स्थिर नहीं होता, खिलता डुलता रहता है जी। इंग्लिश वर्ड्स में कहें तो कंटेम्पलेशन अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन, इसका पूरा होना राइट अंडरस्टैंडिंग है, ज्ञान है। उसके आधार पर इमेजिनेशन का डेफिनेट होना, कंडक्ट का और हमारा बिहेवियर वर्क पार्टिसिपेशन का डेफिनेट होना, ये आचरण है यानी ह्यूमन कंडक्ट है। ज्ञान और आचरण में बहुत स्पष्टता आया है। अभी मैं इसको दो लाइन में रखना चाहूंगा तो ये है कि मेरा समझ पूरा अच्छी तरह से हो जाए, स्पष्टता हो जाए, मेरा पढ़ा हुआ नहीं हो, मेरा अनुभव में मैं उसको चेक कर लिया है। और आचरण ये यानी कि मैं किसी भी परिस्थिति में मैं व्यवहार कैसा करता, विचार कैसा करता हूँ, व्यवहार कैसा करता हूँ, कार्य कैसा करता हूँ, भागीदारी कैसा करता हूँ, ये सारा मेरा आचरण है। यही है जी। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ, आचरण बराबर जीना, ठीक बात है। हाँ जी जी, तो ये एक हमें शिफ्ट मिला होगा अस्तित्व के बारे में, इसको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप में से कई साथियों ने लिखा है कि हाँ ये शिफ्ट हमको दिखाई दे रहा है। वैसे अगर पर्पस को देखें तो ये कहते थे कि हाँ भाई सुखी होना चाहते हैं, बट सुख का मतलब क्या था कि ये चीज खाने को मिल जाए, घूमने को मिल जाए, है ना, देखने को मिल जाए, ऐसा कुछ, या समाज में रुतबा बन जाए, शान शौकत हो जाए, लोग जाने पहचाने, नाम छप जाए, तो कोई दूसरे से भाव पाले। तो पहले ऐसा लगता है कि सुख तो चाहते हैं पर सुख का मतलब यही सब है, है ना। और बहुत सारे दोहे और है ना लोकोक्तियां और सुक्तियां हम लोग सुनते रहते थे कि पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी ऐसी हो, घर में संपत्ति ऐसी हो, ये हो वो हो तो सुखी होते हैं, कि नहीं। तो पहले ऐसा कुछ मान रहे होंगे, अब दिखता है कि हम सिर्फ सुखी नहीं होना चाहते, निरंतर सुखी और समृद्ध होना चाहते हैं। और सुख का मतलब है हार्मनी में होना, ये भी एक शिफ्ट हमको मिला होगा, इसको भी हम अपने आप में देख लें। कि पहले सुख एक शब्द था और उसका आशय धुंधला धुंधला सा कुछ ऐसा ही था कि बाहर की चीजें अनुकूल हो जाए, पुत्र मेरा अनुकूल हो जाए या पुत्री अनुकूल हो जाए, पत्नी या पति अनुकूल हो जाए, मित्र अनुकूल हो जाए, जॉब अनुकूल हो जाए, आस पड़ोस अनुकूल हो जाए, ठीक, संवेदनाएं अनुकूल हो जाए, ठीक। ऐसी बहुत सारी कहानियां भी बनती रहती हैं। अभी आप देखिए स्वर्ग के बारे में क्या कहानियां हैं, तो कहते हैं भाई अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, जो भी कहानी है ना। स्वर्ग का मतलब क्या है कि वहां अप्सराएं नृत्य कर रही होंगी, अच्छे अच्छे पकवान खाने को मिल रहे होंगे। अब ये सारा देखें तो संवेदना मूलक है कि नहीं, ठीक। और जब धरती को स्वर्ग बनाने की बात करेंगे तो फिर वही करेंगे कि पूरी धरती पे ये सुविधाएं सुलभ हो जाए, हर एक को सुलभ हो जाए। तो जब सुख की बात पहले करते थे तो कुछ ऐसी बातें भी होती होंगी, है ना, कल्पनाशीलता में ऐसी संभावना है। परंतु अब दिखता है कि सुख का मतलब ये नहीं है, सुख का मतलब है कि हार्मनी में जी पाए कि नहीं। तो एक शिफ्ट हमको मिलता है कि हम सिर्फ सुखी नहीं होना चाहते, हम निरंतर सुख समृद्धि पूर्वक जीना चाहते हैं जी। रेणुका जी कह रही कि स्वर्ग नर्क भीतर है, ठीक बात। इनफैक्ट क्या हुआ है कि कई बार इन सारे शब्दों को रखकर
लोगों को प्रेरित या भयभीत करने का प्रयास भी किया गया है, ताकि लोग कम से कम भय से सही जिए या प्रेरित होकर सही जिए। तो उसके लिए बहुत सारे हम कथा कहानी चित्रांकन करते हैं ताकि लोगों को कुछ ध्यान चला जाए। ये भी हम देख लें ये शिफ्ट हमको मिला है कि नहीं, ये भी हम देख लें कि ये शिफ्ट हमको मिला है कि नहीं। वैसे अगर हम प्रोग्राम देखें तो पहले हमारा कुछ प्रोग्राम हो सकता था कि हम सुविधा संग्रह में लगे हुए थे और बिना इस बात को पहचाने हुए कि कितनी सुविधा की आवश्यकता है। अब हमको दिखता है कि सुविधा से सुख नहीं होने वाला है। पहले इक्वेशन बना के रखा हुआ था सुविधा बराबर सुख, अब वो इक्वेशन चेंज लिया है। अब लगता है कि नहीं सुविधा बराबर सुख नहीं, बल्कि जी बल्कि व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना, यह सुख है। तो रविंद्र जी का जो प्रश्न है ये हारमोनी का मतलब, हारमोनी का मतलब संगीत व्यवस्था, और हारमोनी को हम लोग एक्सप्लोर करते रहे इंट्रोडक्टरी वर्कशॉप में भी, यूएचपी वन में भी, यूएचपी टू में भी, है ना। उसको पार्टली एक्सप्लोर किया, अब उसको और एक्सटेंड करके एक्सप्लोर करेंगे। तो हम लोगों ने ये बात किया था कि हैप्पीनेस इज इक्वल टू हारमोनी, ये हम लोगों ने प्रस्ताव में रखा था कि मैं जिस भी स्थिति परिस्थिति में जीता हूँ अगर उसमें लय है, संगीत है, सामंजस्य है, तो मैं सुखी होता हूँ। तो हारमोनी बराबर हैप्पीनेस, ठीक है ना। तो अब दिखता है कि सुख का मतलब कोई अनुकूल संवेदना पाना या कोई दूसरा अनुकूल भाव पाना नहीं है, बल्कि हारमोनी है। और ये सुविधा संग्रह के द्वारा पूरा होने वाला नहीं है, ये भी एक शिफ्ट हमको मिला होगा। तो ये शिफ्ट हम अपने आप में ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, इसको हम देख लें जी। कुछ प्रश्न है चैट बॉक्स में, उसको ले लेते हैं। आपने बताया था कि कई बार हम बात करते करते हैं, करते करते की और खो जाते हैं, बट सर कई बार हम अपनी पास्ट की मेमोरी में खो जाते हैं जिससे हम निकलना चाहते हैं, जिसकी वजह से हम प्रेजेंट में ही जी पाते हैं। इस सिचुएशन हमें क्या करना है जी। जनाब जी का एक प्रश्न है, इनफैक्ट ठीक है एक वाजिब प्रश्न है। अभी हम देखें ना तो हमारी कल्पनाशीलता का मुद्दा क्या होता है। तो आप पाएंगे कि ज्यादातर समय हमारी कल्पनाशीलता में तीन चीजें घूम रही होती हैं, ठीक, अगर हम सुखपूर्वक नहीं जी पा रहे। या तो अतीत की कोई पीड़ा होती है, या वर्तमान से विरोध होता है, या भविष्य की चिंता होती है। तो इसलिए हम बहुत बार टेक ऑफ कर जाते हैं, पूरी बात को सुनते हुए हम टेक ऑफ कर जाते हैं, क्योंकि कोई अतीत की पीड़ा याद आ जाती है, या वर्तमान में जो विरोध बना हुआ है उस पर ध्यान चला जाता है, या भविष्य की चिंता हो जाती है। इससे हम निकल पाते हैं, है ना, इससे हम निकल पाते हैं इस पूरी जांच पर के साथ। तो जब टेक ऑफ हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी हमको समाधान नहीं दिख रहा, इसलिए बहुत सारे मुद्दे अनरिजॉल्व्ड हैं, समाधानित नहीं हूं मैं उस पे। तो मेरा बार बार ध्यान खींचते हैं वो, यही मुद्दे हैं, मानव क्या है, अस्तित्व क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसको पूरा करने का कार्यक्रम क्या है, अभी स्पष्ट नहीं है। तो जो पास्ट में गलतियां हुई हैं उस पर ध्यान जाता है, वर्तमान में चूंकि ये पूरा नहीं हो पा रहा तो उस पर ध्यान जाता है, और भविष्य में कैसे पूरा होगा स्पष्ट नहीं है तो उस पर ध्यान जाता है। तो हमारा टेक ऑफ चलता रहता है जी। तो ये हम सब अपने आप में ऑब्जर्व करें कि यूएचडी के कंटेंट से परिचित होने से पहले क्या हमारी ये स्थिति थी, है ना, और उसके बाद क्या ये स्पष्टता बन पाई है। तो आज हम सबके लिए असाइनमेंट रहेगा कि इस शिफ्ट को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें, है ना, कि ये शिफ्ट हमको मिल पा रहा है कि नहीं, मिल पाया है कि नहीं। तो आज के लिए हमारा असाइनमेंट यही रहेगा कि शिफ्ट को हम अपने आप में ऑब्जर्व करें कि यूएचपी के कंटेंट से परिचित होने से पहले हम कहाँ खड़े थे, और जो अभी तक हमें परिचय मिला कंटेंट का उसके बाद हम कहाँ शिफ्ट हो पाए जी। ये हम सबके लिए आज का असाइनमेंट है, उसको हम बारीकी से देखें। और मैं एक सुझाव दूंगा, इसमें एक सुझाव दूंगा कि आप एक जर्नल या एक नोटबुक बना लें और इन चीजों को लिखते चलें। लिखने से ये होता है ना कि हम पहले कहाँ खड़े थे, आज कहाँ खड़े हैं, इसका एक सतत रूप से समीक्षा और मूल्यांकन होता जाता है, तो हमको गति दिखाई देती है। पहले हमारे विचारों कौन से मुद्दे घेरे हुए थे, आज के दिन किन मुद्दे, पहले क्या उलझने थी, आज के दिन क्या उलझने रह गई हैं, पहले हमारे कंसर्न्स क्या थे, किन किन बातों को लेकर हम चिंतित होते थे। जैसे नरेश भैया ने बताया कि कोई फ्लाइट से जा रहा और हमें नहीं पूछा, है ना, तो हमारे लिए चिंता का विषय हो जाता था, अब हम आराम में रहते हैं। ये शिफ्ट है सब,
किसी ने आमंत्रित किया, सबको हमें छोड़ दिया, पता चला हमारे लिए महीने भर का काम हो गया, पूरे समय उस व्यक्ति को लेकर विचार कर रहे हैं, अब ऐसा नहीं हो रहा। जैसे मैं घटना बताता हूँ, तो मैं ना जैसे जनसम इस पार्क टहलने जाता हूँ, तो शाम को गया तो ये हुआ कि गेट नंबर 6 से गेट नंबर 1 तक चला जाए काफी दूरी थी उसमें, तो ये था कि 7-8 किलोमीटर था, तो मैंने कहा चलो कार से चलते हैं, कुछ जड़ी बूटी जैसे लेमन ग्रास या तुलसी पत्ता मेरे को लेना था, तो वहाँ आयुर्वेद का थोड़ा पार्क बना हुआ है तो वहाँ सभी लोग ले लेते हैं, तो वाइफ ने कहा कि नहीं पैदल चलते हैं, तो मैंने मन में इसको पता होता है नहीं कितना दूर है ऐसी कर रही है, खैर उसने जीत किया कि पास्ट एक्सपीरियंस बुरा था कि भाई बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा घर पे, तो फिर ये हुआ कि चलो पैदल चलते हैं, तो बिटिया स्केटिंग कर रही थी 1 घंटे का, तो फिर क्या हुआ कि 3-4 किलोमीटर चले तो उसको लगा कि नहीं बिटिया को लेने में लेट हो जाएंगे, तो मैं ना फिर उसका चिचड़ा हो गया, चिचड़ा मतलब कुछ बोला नहीं अपनी वाइफ को, तो बताइएगा कि भाव कहाँ कहाँ गड़बड़ हुए, तो फिर वहां से लौट रहे थे तो उसने ना एक दो सवाल पूछे थे, चिचड़ेपन से दिया मैंने उस जवाब, लेकिन मैं संभल गया कि मैं चिचड़ेपन से दे रहा हूँ, पहले तो ऐसा होता भी नहीं था कि मेरे को पता चले कि मैं चिचड़ा हो भी रहा हूँ, खैर मैंने कुछ बोला नहीं और बात संभल गई, पहले मैं बोल देता था, तो अब मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि मैं चिचड़ा हुआ क्यों। जी तो एक अच्छी बात तो ये है कि आपको इतना तो अभी अवेयरनेस बन गया है कि पहले चिड़चिड़े हो जाते थे, रिएक्ट कर देते थे और पता भी नहीं लगता था, अब वो चिड़चिड़ा होने के साथ ही पता लग रहा है कि चिड़चिड़े हो जा रहे हैं, है ना, ये एक मेजर अचीवमेंट है ये। अब आगे है कि हम इस बात को देख पाए कि चिड़चिड़ा क्यों हो रहे हैं, और यदि चिड़चिड़ा नहीं होना है तो क्या होना है, इस बात को देख पाए, वो उसके और आगे काम है। तो हमारे जो संस्कार है जिसके आधार पर मैं चिड़चिड़ा हो रहा हूँ उसको हम देख पाए एक बात, फिर संस्कारों में परिमार्जन हो जाए, वो तभी होगा जब हमको ये दिखाई दे कि अगर चिड़चिड़ा नहीं होना है तो क्या करना है। तो फिर यही समझ में आया कि भाई कुछ रिएक्ट मत करो क्योंकि झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस है तो घर का माहौल भी सही रहेगा, तो इसलिए कुछ बोले भी नहीं और फिर सब कुछ संभल भी गया। लेकिन हाँ, ये क्या हुआ, ये तो हमने विचार पूर्वक अपने आप को नियंत्रित किया कि झगड़ा हो जाएगा इसलिए कुछ मत बोलो, परंतु चिड़चिड़ापन तो अपने अंदर बना हुआ है फिर तो, है ना, वो भाव तो बिगड़ा हुआ है, उस भाव में परिमार्जन हो जाए ये करने का काम है, ताकि ये चिड़चिड़ापन ही ना रहे, इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, है ना, एंग्जाइटी, ये सब रहे ही नहीं, और ना रहे तो क्या रहे, वही तो शोध का विषय है, तो हमारे संबंध का भाव रहे, व्यवस्था का भाव रहे कि नहीं। हाँ तो अभी लंबी लंबी उस बात तो छोटी सी है लेकिन लंबा समय लगे, सफर लंबा है इसका, मतलब ठीक है। देखिए जी जी, देखिए क्या है, ये जब हमको स्वयं उपलब्धि दिखाई देती है ना तो फिर समय का कोई मुद्दा नहीं रहता, क्योंकि जब कुछ बाहर से पाकर हमको सुखी होना होता है तो हम प्रयास करते समय झांक रहे होते हैं कि कुछ मिला नहीं मिला, जब अंदर काम होना है तो दिखता है कि, है ना, अंदर ही उपलब्धि होनी है, अंदर ही सारा काम होना है और जो हो गया सब उपलब्धि है, तो ये जो व्याकुलता है वो चली जाती है। तो होता क्या है कि अभी चूंकि हमारा बाहर से कुछ पाकर सुखी होने का अभ्यास है तो समय को लेकर व्याकुलता रहती है, उसके बाद दिखता है कि समय के लिए कोई व्याकुलता तो है ही नहीं, मैं तो निरंतर हूँ, है ना, और जितनी जितनी व्याकुलता कम होती है उतना मैं बारीकी से काम कर पाता हूँ, क्योंकि व्याकुलता में वैसे ही है कि हमने एक पौधा लगाया और पौधा लगा कि नहीं, उसका जड़ निकाल के देखा तो चल अभी जड़ पकड़ा नहीं है, फिर अंदर डाल दिया, अब कभी पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा सही बोल रहे हैं। हाँ तो ऐसा भी हम कई बार करते हैं कि पौधा लगाया फिर जड़ निकाल के देखते रहते हैं पकड़ा कि नहीं पकड़ा। जी आपने वो बताया था ना कि जैसे गांव में ऊपर डंडी बन जाती है वो गाड़ियां चलती हैं, तो बस वैसे ही अभी हाल है अपना। आज के लिए ये असाइनमेंट है कि शिफ्ट को हम अपने आप में और ठीक से देख पाएं।